Here is a problem. And let me tell you what's the problem. The problem is, I want to solve this issue. और प्लीज जिसे पूछा जाए वो बताए, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या चीजें देखी हैं? आपने देखी है वेरिएबल बनाना, किसी भी डेटा टाइप का बनाने को आप कह दें तो आप बना लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारी तरह की मैनिपुलेशन देखी आपने। फॉर एग्जाम्पल, आपने इफ लगाना देखा है, आपने लूप लगाना देखा है, और आपने इसके करिश्मे देख लिए, यानी आपने जो एनिमेशन वाले में चीजें प्रोड्यूस की हैं, दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू लुक एट, ठीक है। कि आप लोग कमाल कमाल चीजें बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने कोई छोटी चीज नहीं सीखी, आपने बहुत बड़ी चीज सीखी, ठीक है। आपको नजर आना शुरू हो गया कि यू आर बिकमिंग पावरफुल, ओके। नाउ आई एम टेलिंग यू, आई विल एक्चुअली आस्क यू अ प्रॉब्लम एंड आई विल आस्क यू टू यूज ओनली दोज टूल्स, ओके, जो आपने अभी तक सीखे हैं, ओके। यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी अदर टूल, ओके। एंड इफ आई आस्क यू कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एंड यू, आई एम टेलिंग यू, यू विल फील देयर इज समथिंग मिसिंग हियर, ओके। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। आपको एक, अगर मैं एक्सट्रीम इनपुट में दे दू, एक्सट्रीम इनपुट में, स्ट्रीम समझते हैं कि मैं हजारों नंबर है जो कि इनपुट में आ रहे हैं, एक हजार नंबर है जो इनपुट में आ रहे हैं, ठीक है। या एक स्ट्रीम आ रही है इन्फिनिट स्ट्रीम में एंडिंग विद -1, ओके। आपको नहीं पता कब खत्म होगी, ठीक है। चले आपको पता है कि हजार से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेट्स से हजार से ज्यादा नहीं होगी, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन हजार से कम भी हो सकती है, हजार से ज्यादा भी हो सकती है, हजार से ज्यादा नहीं हो सकती, हजार मैक्सिमम हो सकती है। अब आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आपको कहा जाए कि नंबर हैं और आ रहे हैं और वो मैक्सिमम हजार होंगे, उसमें से मैक्स निकालना है, ओके? आपके मिड में भी एक सवाल था कि एक्सट्रीम आ रही है, उसमें से मेन रिपोर्ट करें, मैक्स रिपोर्ट, दैट यू कैन इजीली डू दैट। हाउ कैन यू डू दैट? पहला नंबर निकालें, उसको मैक्स भी कह दें, उसको मिन भी कह दें, है ना? और बाकी जो भी नया नंबर आप निकले, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स ऑसम, ओके। वी हैव डन दैट मेनी टाइम, ओके। अच्छा, व्हाट इफ मैं कहूं कि मैंने मैक्सिमम भी निकालना है, मैंने सेकंड मैक्सिमम निकाला, तो दो वेरिएबल रख लेंगे, है ना, है ना। ये हमने किया था, दो नंबर इनपुट लें पहले, और एक को आप मैक्स कह दें, एक को सेकंड मैक्सिमम कह दें, ठीक है। और अगर मैक्स छोटा है सेकंड मैक्स से, तो स्वैप कर दें, और स्वैप का मतलब है ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे आप जो अभी बनाया है, ऐसी है, ऐसी है? तो दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, तो मैक्स में मैक्स पड़ा होगा, और फिर हर नया जो नंबर आएगा उसको आप मैक्स से कंपेयर करेंगे, और अगर वो मैक्स से बड़ा तो मैक्स को सेकंड मैक्स कह दें, और जो नया नंबर है उसे मैक्स कहते हैं, ठीक है, राइट। और अगर जो नया नंबर है उसे सेकंड मैक्स से बड़ा, सेकंड मैक्स को अपडेट कर दें। आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर दैट, ये हमने किया था, ओके। व्हाट इफ कि ये सवाल है, सवाल ये है कि आपके 100 नंबर्स आपने इनपुट लेने, मुझे उन सारों को ऑर्डर चाहिए, सारे ऑर्डर में मुझे आउटपुट करने, मतलब मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ मैक्सिमम, फिफ्थ मैक्सिमम, सिक्स्थ मैक्सिमम, 100 यानी मिनिमम, ओके। ये बात समझना कि आपने 100 नंबर इनपुट लगे लिए और उनको मुझे इस तरतीब में दिखाना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ओके। पहली बात तो यह, कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको, कितने 100 नंबर है, 100 वेरिएबल्स, है ना, आपको 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, हाँ जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपने सिर्फ और सिर्फ वही लूप से करना है या कंडीशन लगा के करना है, तो आपको लग पता जाएगा, क्यों? क्योंकि एक मैक्स निकालने के लिए 100 दफा इफ लगेंगे, अब इनपुट दोबारा आ नहीं सकती, तो आपके वेरिएबल में जो सेव हुए होंगे उन्हीं से में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। You can feel that there is something seriously missing, है ना? And मसला यह है कि 100 numbers को handle करने के लिए, 100 numbers को handle करने के लिए आपने 100 variables लगाए हैं। और अगर ये 1000 होते तो आपको 1000 variables चाहिए होते, और अगर ये 1,00,000 होते
तो आपका तो बस ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन ही आपका मर जाता है ना, है ना? ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबॉडी अप्रिशिएट, सिर्फ सिर्फ इस बात की अप्रिसिएशन ही बहुत बड़ी बात है कि मुझे 1,00,000 वेरिएबल्स को, मेमोरीज को हैंडल करना है। हाउ कैन आई हैंडल, ये बात समझ में? मैंने 1,000 वैल्यूज को हैंडल करना है तो मैं 1,000 वेरिएबल क्यों लेके आऊं? ओके, ये बात समझ में? आई होप एवरीबॉडी गॉट द मोटिवेशन कि मुझे 1,000 नंबर्स के ऊपर मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है? राइट, कैसे करें? क्या 1,000 वेरिएबल लेके कर ले? ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। ओके, सो फार सो गुड। सी प्लस प्लस में एक्चुअली तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में देयर इज अ ब्यूटिफुल कॉन्स्ट्रक्ट एंड दैट कॉन्स्ट्रक्ट इज कॉल्ड अरे। ओके, व्हाट इज एन अरे? अरे इज नथिंग बट ए कंटिगुअस मेमोरी। ओके, कंटिगुअस मेमोरी का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पड़े होंगे। ओके, हाउ टू मेक दैट? वेरी सिंपल, यू विल गोइंग टू से टाइप, किस टाइप की आप अरे बनाना चाहते हैं, ठीक है? आप अरे का नाम लिखते हैं और यहां पे एक साइज बताते हैं, और ये साइज वेरिएबल नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूं कॉन्स्टेंट साइज, दिस हैज टू बी कॉन्स्टेंट साइज। ओके, राइट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एक इंटीजर अरे बनानी है, मैं नाम रखता हूं ए आई, ए आई मीन इंटीजर अरे, ए आई ए भी रख सकते हैं जैसे आप पूछेंगे, एक्चुअली मैं इसको आई ए ही कहता हूं, ठीक है? और मैं कहता हूं लेट्स से 5। ओके, व्हाट डज दिस मीन? इट मींस रैम में एक कंटिगुअस मेमोरी मिलेगी आपको, ओके, एक कंटिगुअस मेमोरी मिलेगी आपको जिसके अंदर 5 ब्लॉक्स होंगे, ये 5 कैसे डिसाइड हुआ? यहां से डिसाइड हुआ, ठीक है? अब मजे की बात वो ये कि इस ब्लॉक की पहली लोकेशन का नाम है आईए, जो आपके वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है? अगली बात, और मैं इसके थ्रू इन तमाम वैल्यूज तक पहुंच सकता हूं, कैसे? इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 0, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 1, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 2, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 3, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 4। ओके, आमतौर पे इसको ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है कितना आगे जाना है, ठीक है? क्या मतलब है? अरे का जो नाम होता है वो आप समझ लें किसी गली के पहले घर का नाम है, ठीक है? आप किसी भी गली में स्ट्रीट में एंटर हुए हैं, ठीक है? तो उस स्ट्रीट के पहले घर का नाम है। ओके, अगर आपने पहले ही घर में जाना हो तो आप कितना आगे जाएंगे? 0 आगे जाएंगे। अगर आपने दूसरे घर में जाना हो तो आप कितने घर छोड़ के आगे जाएंगे? 1 घर छोड़। ये बात सुना? अगर आपने तीसरे घर में जाना हो तो आप कितना आगे जाएंगे? 2 घर आगे बस ना। और अगर आपने आखिरी वाले पे जाना हो तो आप जितना साइज है उससे 1 काम आगे जाएंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? और खूबसूरत बात वो ये,
अगर मैंने इस अरे में ट्रेवर्सल करना है, ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या मैं कहूं आई ए जीरो पे जाके लिखो जीरो. सो व्हाट विल हैपन, यहां पे जीरो लिखा जाएगा, ठीक है. और अगर मैं कॉमा लगा के यहां पे लिखूं आई ए वन पे जाके लिख दो, क्या लेट्स से टू, तो व्हाट विल हैपन, इस जगह पे टू लिखेगा, ठीक है. और अगर मैं लिखता हूं आई ए, यहां पे फिर वही कॉमा लगाया हुआ है, टू थ्री पे जाके लिख दो, क्या 40. थ्री किस पे जाके 40 लिख देगा, इस पे जाके 40 लिख देगा, ओके. और अगर मैं कहूं आई ए फोर पे जाके लिख दो, क्या 100. थ्री कहां लिख देगा 100, इस पे क्या पड़ा हुआ, गार्बेज, ठीक है, क्या पड़ा हुआ, क्योंकि मैंने उसको इनिशियलाइज किया है. डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है, ठीक है. ये मैं आपके सामने बनाकर दिखाता हूं. इंटीजर आई ए फाइव, जब मैं ये बनाऊंगा सारी वैल्यूज गार्बेज होंगी, क्या होंगी, ऑलराइट. और मैं यहां जाता हूं, मैं आई ए के जीरो के ऊपर जाके रख देता हूं, क्या जीरो. आई ए के वन पे जाके रख देता हूं, क्या कितना बड़ा, टू. आई ए के थ्री पे जाके रखता हूं, क्या 40. और आई ए के फोर पे जाके रखता हूं, क्या क्या 100, ठीक है. डज इट मेक सेंस, और अभी मैं आपको दिखाता हूं. सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. बेटा आओ, वहां पर बेटा इस पे क्लिक करें, वॉच पे आई ए पे क्लिक करें, डबल क्लिक, डबल क्लिक, या ये एरो पे क्लिक कर दें, इसे शाबाश. यू कैन सी दैट कि इसने आई ए बनाई है, पांच साइज की है. और देखिए इसका कोई एड्रेस है, क्या ये एड्रेस है, 8E8 नजर आ रहा आपको, 8E8, ठीक है. अभी मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाता हूं. मैंने आपको कहा था ना कंटिगुअस मेमोरी होती है, मैं आपको दिखाता हूं ये कंटिगुअस वाकई में होती है, ठीक है. बड़ा आया भाई, ये देखिए ये क्या है, इन सारों में क्या वैल्यूज पड़ी है, ज्यादा वैल्यू पड़ी है, ये बात सुना, ठीक है. आप इसमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को जाके डिबगर में चेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा इसमें जाकर डबल क्लिक, बल्कि ऐसा करो इस लाइन को F10 प्रेस कर दो, F10, ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई सिवाय A2 के, ये बात सुनना. आप डिबगर में जाके खुद भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, जितना जाके इसे डबल करो, करो हाँ हाँ डबल क्लिक, यहां पे जाके लिख दो लेट से 500, एंटर 500 हो गया, ठीक है. तो आप खुद भी डिबगर में जाके उसे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई बेटा, बैठ जाए. अच्छा अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की बात बताऊं, वो ये, लेट से मैं यहां पे 100 साइज के लिए बनाता, ठीक है, मजे की चीज. अगर मैं इसको यू इनिशियलाइज कर इज इक्वल टू पेरेंथेसिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग ऑल द वैल्यूज टू जीरो, ऑल द वैल्यूज टू जीरो, ओके, दैट्स अ शॉर्टकट वे टू इनिशियलाइज ऑल द वैल्यूज, ओके. लेट मी शो इट टू यू, ये देख, ये मैंने चलाया, ये देख, इसके बाद गार्बेज वैल्यूज है, जैसे ही मैंने ये प्रयोग किया सारे जीरो, ठीक है. अच्छा व्हाट इफ कि मैं यहां पे वन रखता हूं, क्या सारी क्या हो जाएंगी, देखते हैं, ठीक है. ये रहे F10, सिर्फ पहली वैल्यू वन होगी, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज जीरो इनिशियलाइज होगी. डज इट मेक सेंस, ओके स्टॉप.
वन कॉमा टू, आप बताएं। पहली वैल्यू वन होगी, दूसरी वैल्यू टू होगी, बाकी सारी जीरो होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, गुड, बिल्कुल हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जो अरे बनाई है वो सारी जीरो से निकला चाहिए, है ना? बट नाउ व्हाट आई डू इज दिस, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 100, आई प्लस प्लस। ए की आईएथ एंट्री को कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय आई। कैन यू टेल मी व्हाट दिस प्रोग्राम विल गो टू? अच्छा, आई ए है। Can you guess what is this program will going to do? This will going to initialize the entire array with multiples of 5. Okay? So, एक लूप से मैंने पूरी की पूरी 100 values को iterate कर लिया. Isn't it lovely? है ना? मैं एक और काम भी कर सकता हूं. इसको अगर मैं 1000 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 1000 है, बट मुझे 2-3 जगह पे चेंजेस करने पड़े। अभी तो मैंने इतना सा कोड लिखा है ना, अगर ये 50 जगह पे मैंने लिखा होता तो मुझे हर जगह जाके 100 को 1000 करना पड़ता। तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप यहां पे लिखे इंट साइज, इसको 1000 कर दें। ठीक है, और इसको क्या कर दें? साइज कर दें। इसको भी जाके क्या कर दें? साइज कर दें। और ये आ जाएगा एरर। और एरर भला क्यों आ रहा है? आपको मैंने एक बात कही थी, वो ये कि दिस हैज टू बी ए कॉन्स्टेंट साइज, और आपने जो वेरिएबल बनाया है वो तो वेरिएबल है, उसको तो मैं सीन भी करवा सकता हूं। ओके, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, तो आपको यहां पे कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए ना लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने हो सकता है यूजर से पूछ रहा हूं कितने वैल्यूज आएंगी तुम्हारी, है ना? तो अगर मैंने ये करना हो कि यूजर मुझे बताए कि कौन सी वैल्यू कितनी वैल्यूज आनी है, तो मैं एक काम करता हूं, पीछे ना बैकग्राउंड में एक वेरिएबल बनाता हूं कॉन्स्ट एंट कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू होता हूं लेट्स से 1000, और साइज को डिक्लेयर ही नहीं करता, और जो वेरिएबल अरे बनाता हूं ना वो बनाता हूं कैपेसिटी साइज। ओके, और यहां से पूछता हूं सी आउट हाउ मेनी वैल्यूज, और मैं कहता हूं सी इन साइज। आहा, आई एम डन। नहीं, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा कि कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता। वंस यू हैव डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल कांस्टेंट, देन दैट वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी मैं कैपेसिटी प्लस प्लस नहीं कर सकता, ये कैपेसिटी में वेरिएबल इनपुट नहीं ले सकता। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज कि मैंने एसेंशियली किया क्या है, आप देखें, मैं यहां पे सी आउट करवाता हूं, क्या होगा बेटा? ए ब्रैकेट, और यहां कर देते हैं क्या, डिस्प्ले ठीक है, लुक एट दिस, लेट्स से उसको हाउ मेनी वैल्यूज, लेट्स से मैं कहता हूं 10 वैल्यूज, तो ये देखिए 10 वैल्यूज आ गए, जीरो से लेकर कहां तक आई है बेटा? 45 तक आ गए। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, और अगर मैं कहता हूं मैंने 100 चलानी है तो मैं 100 कर दूंगा, तो 100 वैल्यूज आ जाएंगे, है ना? अच्छा, व्हाट इफ कि मैं 1000 से ज्यादा कह दो, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल, है ना? सो आप यूजुअली करते क्या है कि जब हाउ मेनी वैल्यूज लिख देते हैं ना, तो साथ आप ब्रैकेट में लिख देते हैं इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1000, जो भी कैपेसिटी होती है। ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है जी,
इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि इनिशियलाइजेशन शुड बी सेपरेट एंड प्रिंटिंग शुड बी सेपरेट। ये बात सुन लग? अब एक और बात सुन, ये तो मैंने एक अरे बनाई है, व्हाट इफ कि मैं एक और भी अरे बना लू, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो मैं डबल कर देता हूं, और मैं एक और भी अरे बना देता हूं जिसकी कैपेसिटी मैं 3 times करूं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, अब इसकी भी मुझे इनिशियलाइजेशन करनी है ना, और मैंने बिल्कुल वैसे ही इनिशियलाइजेशन करनी है जैसे तरह मैंने पहले की थी, मल्टीपल ऑफ 5 रखने वगैरह वगैरह। ठीक है, आई डोंट वांट टू डू दैट। अगर मैंने 50 अरेज बनानी है और 50 की 50 अरेज के ऊपर मैंने, और उनका साइज डिफरेंट, एक का साइज एक का है, एक का दो है, एक का 5 है, एक का 6 है, एक का 10 है, एक का 20 है ना, तो सवाल यह है कि मैं अरे को, अब इसके लिए अगर मैंने इनिशियलाइजेशन के फंक्शन लिखने हैं तो क्या मैं हर एक का इनिशियलाइजेशन फंक्शन अलग में लिखूं? क्यों? क्योंकि मुझे एसेंशियली ये अरे भेजनी है ना, तो मैं कहता हूं void init, मैं कहता हूं इंटीजर अरे 10 साइज की, सॉरी कितनी थी 1000 साइज की, और यहां पे क्या भेजेंगे साइज। ठीक है, यहां मैं कहता हूं फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या साइज i प्लस प्लस, क्या करेंगे बेटा ए आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा i मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये मैंने इनिट का फंक्शन बना लिया जिसको क्या पास होती है करे पास होती है, कौन से साइज की 1000 साइज की, और साइज भेज देते हैं, जितना हमें साइज नहीं होता उतनी हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में? नाउ लुक एट दिस, अब मैंने 1000 के लिए तो ये फंक्शन लिख दिया, क्या मैं 2000 के लिए अलग लिखूं, 3000 के लिए अलग लिखूं, 4000 के लिए अलग लिखूं? कोड तो सेम होना है। आपको समझ में आई मैं क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो सी प्लस प्लस एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और रिस्ट्रिक्शन शुरू में आपको लगती है यार ये क्या बदतमीजी है, लेकिन बाद में आपको पता है ओह ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। क्यों? वो कहता ही है कि एक्चुअली आपने जब अरे भेजनी है ना तो आपने साइज नहीं पाना, आपने सिर्फ ये लिखना है क्या कि मैं एक फंक्शन के अंदर एक अरे भेज रहा हूं, ओके, और साइज में नहीं बता रहा, कितनी कैपेसिटी की है आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ओके, ऑलराइट, द ओनली थिंग आई एम टेलिंग यू इट्स एन अरे व्हिच आई एम सेंडिंग यू, ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, और बाद में आप जो भी पैरामीटर भेजना भेज दें, तो मैंने साइज भेज दिया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, मजे की चीज करते हैं, वो ये कि यही इनिट फंक्शन तीनों के लिए चलेगा, है ना, ये जो हमने ये काम जो हमने किया हुआ है इसको खत्म करता हूं, मैं कहता हूं क्या आई ए सॉरी इनिट, हाँ जी बताए बेटा आई क्या बेटा आई ए, और यहां पे साइज लिख देते हैं, और यहां पे करते हैं इनिट, हाँ जी बताए बेटा आई बी, और यहां कहता है 2 × साइज, और इनिट, हाँ जी बताए बेटा आई सी, ये कितना था 3 × साइज। ठीक है, और ये हमने प्रिंटिंग की हुई है ना, तो यहां से उड़ाते हैं इसको, एक और फंक्शन लिख देते हैं, नाम रखते हैं void, नाम देखें प्रिंट, इसको एक अरे का नाम पास होता है, सॉरी ए, आई डोंट केयर कि वो अरे का नाम क्या है। ठीक है, और यहां पर आ सकता क्या इंट साइज, यहां पे हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि ये जो नाम है ना ये हम प्रिंट यहां पे करते ही नहीं, क्यों नहीं करते बेटा बताएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो मेन से जहां जिस अरे को भेजा जा रहा है वो कौन से नाम की है, क्योंकि यहां तो सबका नाम सेम ही है, है ना, तो हम इसको ए कह देते हैं, और ये भी ए ही है। ठीक है, और यहां पर हम एक काम करते हैं,
हम कहते हैं सी आउट। हाँ जी बताएं। आइए ठीक है, और यहां करते हैं प्रिंट, और प्रिंट सॉरी प्रिंट अरे, और यहां क्या भेज देते हैं आइए, और यहां पे क्या करते हैं साइज। ठीक है, और फिर ये आप नई लाइन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप यही कर दें और यहां कर दें बेटा आई बी, और ये आई बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स साइज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आई सी हो जाएगा, आई सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा थ्री टाइम साइज। ठीक है, और आई होप यू ऑल अग्री कि मुझे ना एक यहां पे एंडल भी लगा देना चाहिए, क्यों, ताकि जब ये करे डिस्प्ले हो जाएगी तो वो नई लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो कंट्रोल है फाइव। अगर मैं हाउ मेनी वैल्यूज को फाइव रख दूं तो पहली अरे पांच साइज की बनेगी, दूसरी दस साइज की बनेगी, तीसरी पंद्रह साइज की। ठीक है, सो लुक एट दिस। सो पहली अरे पांच साइज की बनी, दूसरी दस साइज की बनी, तीसरी पंद्रह। डज इट मेक सेंस? एंड आई होप यू अप्रिशिएट कि फंक्शन के अंदर जब हम अरे भेजते हैं तो हम अरे की साइज को नहीं भेजते, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम नहीं लिखते। हाँ, वो हम एज ए आर्गुमेंट वहां पर भेजते हैं कि ये कितनी वैल्यूज हैं जो तुमने हैंडल करनी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। ठीक है, अब मैं आपको मदरी बात करता हूं। ये हमने एक अरे बनाई है जो कि इनिशियलाइजेशन करती है। ठीक है, आपने 5 का मल्टीपल करना है, आपने 10 का मल्टीपल करना है तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अगर मैं कहता हूं मैंने t का मल्टीपल करना है तो क्या हुआ, t एज ए आर्गुमेंट भेज देंगे, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बजाय मल्टीप्लाई बाय t कर देंगे। ये बात समझ आई? ठीक है, तो मैं आपको एक बराबर बताता हूं। आपकी असाइनमेंट जैसे कि क्विज है ना आज का, वो ये है कि आपने अरे बनानी है डिफरेंट तरह की। ठीक है, फिर आपने सेवरल तरह की इनिशियलाइजेशन करनी। फॉर एग्जाम्पल, सबको जीरो से इनिशियलाइज करना, सबको वन से इनिशियलाइज करना, सबको टू से इनिशियलाइज करना, सबको आई से इनिशियलाइज करना, सबको आई मल्टीप्लाई बाय टू से इनिशियलाइज करना, सबको आई मल्टीप्लाई बाय टी से इनिशियलाइज करना। ये बात सुनना। ठीक है, एक और बात, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि मुझे इस अरे को जितना भी साइज दिया जाएगा उतने प्राइम नंबर से इनिशियलाइज करना। एक ये बात सुनना, मैंने प्राइम नंबर से इनिशियलाइजेशन करनी, मतलब ये कि पहले नंबर में 2 आना चाहिए, दूसरे पे 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए, एंड सो ऑन सो। ये बात सुनना। आई होप एवरीबॉडी गॉट द आइडिया क्यों क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, लुक एट दिस। सो एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है void init primes। इंटीजर ए, इंटीजर साइज। लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल से फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू दिस। एक्चुअली आई विल गोइंग टू गिव यू टू वेज टू इंप्लीमेंट दिस। वन आइडिया इज दिस कि हम एक काम करते हैं, यहां पर एक इंटीजर वी बनाते हैं जिसमें शुरू में 2 रखते थे। ठीक है, और यहां पे एक बूल बनाते हैं, इसका नाम है इस प्राइम, और इंटीजर n पास होता है इसको, और यह करेगा इफ n इज स्मॉलर देन 2 रिटर्न फॉल्स, इफ n इज डबल इक्वल टू 2 जी बेटा क्या होगा रिटर्न ट्रू। ओके, और फिर क्या होता है, फॉर लूप इंटीजर d इज इक्वल टू 2 से शुरू करो, d मल्टीप्लाई बाय d इज लेस देन और इक्वल टू n d प्लस प्लस जी, if n mod d is double equal to 0 तो इस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे फॉल्स, और बाहर आके क्या कर देंगे रिटर्न ट्रू। ओके, एक मिनट एक मिनट, मैंने खुद नहीं लगाया, एक मिनट दे दे बस। ठीक है, सो इफ सो लुक एट दिस, व्हाइल इज प्राइम वी not
जब तक v प्राइम नहीं मिलता, v में इंक्रीमेंट करते रहो, ठीक है। जब ये बाहर आएगा तो v में क्या पड़ा हुआ, v में प्राइम नंबर पड़ा हुआ। सो ऑल वी हैव टू डू इज a के ith इंडेक्स पे जाए क्या रख दो, v रख दो, मतलब मेक सेंस, ठीक है। तो टू है ना, तो पहली दफा टू रखेगा, यहां पर रखेगा टू, प्राइम है, ठीक है। अगली दफा क्या होगा, ओ एक मसला है, v में इंक्रीमेंट यहां पर भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रखने के बाद आपको आगे जाना है ना। तो आप v कितना हो गया बेटा, थ्री हो गया। अब थ्री भी प्राइम है तो थ्री रखा जाएगा, बट फिर v कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। बट v फोर जो है वो प्राइम नहीं है, तो फिर वो तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक वो प्राइम नहीं आ जाता, ये बात समझ। जब वो बाहर आएगा तो प्राइम होगा, प्राइम रख के वो आगे चला जाता। डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसी को मैं एक और रीजन कर सकता हूं, एक मिनट रुक जाए। फॉर लूप इंटीजर d इज इक्वल टू टू से शुरू किया मैंने, और यहां पे मैं इंटीजर i बनाता हूं जिसको जीरो से इनिशियलाइज करता हूं, ठीक है, और यहां रखता हूं i इज लेस देन साइज, और यहां पर मैं d में प्लस प्लस करता हूं। एंड लुक एट दिस, इफ a के इफ इज प्राइम d, अगर d प्राइम है तो तुम क्या करो, a के ith इंडेक्स पे जाके ये d रख देना और i में इंक्रीमेंट कर देना, वरना क्या होगा, वरना क्या होगा, एल्स में वो नहीं जाएगा उसके अंदर, d इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी 4 के केस में वो भी प्राइम नहीं है तो d को इंक्रीमेंट करेगा, ये बात सुनाई। सो इन ए वे मैंने लूप डी पे लगाया हुआ है, कंडीशन किसी और वेरिएबल पर लगाई, क्यों, क्योंकि मैंने जब तक साइज तक पूरा नहीं हो जाता तब तक, राइट, ये बात सुनाई। सो आई विल गोइंग टू गिव यू सेवरल इनिशियलाइजेशन फंक्शंस जो कि आपने करना, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। आपको आपको पता लग गया होगा मैंने क्या बताना है, बेसिकली जो जो क्विज अपलोड होगा आज का वो आपने आज जमा करवाना है, जिसमें रेफरेंसेस के ऊपर भी काम होगा और ये अरे की निष्कर्षण के ऊपर काम होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।